बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज हम हमदम कश्मीर के हवाले से कुछ जानने की कोशिश करेंगे और दूसरा क्वेश्चन इसमें हमारा है गाना की तजाद। सबसे पहले हमदम कश्मीर के बारे में, इनका नाम अब्दुल कयूम था। शहीद गंज श्रीनगर में पैदा हुए 1937 में। उर्दू के बहुत बड़े शायर हैं। शायरी का आगाज 1958 में किया। धूप लहू की आपकी गज़लों का पहला मजमूआ जो 2003 में शाया हुआ। आपने नाती भी कही हैं, नज़में भी कही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मशहूरियत जो आपने पाई वो सिर्फ गज़ल है। उसके बाद एक छोटा सा तारुफ रहा हमारा हमदम कश्मीर का। उसके बाद दूसरा सवाल जो हमारा है वो है सनत तजाद। बेटे, अक्सर गज़लों में शायर जो हैं वो सनत तजाद से काम लेते हैं। इससे मुराद क्या है? जब किसी भी शायर में दो या दो से ज़ायद ऐसे अल्फाज जो माने के एतबार से एक दूसरे की ज़िद हों, जैसे दिन उसके साथ रात, सुबह उसके साथ शाम, अच्छा उसके साथ बुरा वगैरह ऐसे अल्फाज इस्तेमाल हो जाएं, तो उन्हें सनत तजाद कहते हैं। सनत तजाद कहते हैं। जहाँ तक इस हमदम कश्मीरी की गज़लों का ताल्लुक है, इसमें हम अच्छी तरह से सनत तजाद को देख सकते हैं, उनको जान सकते हैं, उनको सीख सकते हैं। तो बेटे, ये रहा आज का हमारा टॉपिक। अस्सलाम वालेकुम।